लोग अपने घरों में लगाना चाहता है वॉलपेपर, ताकि अपने घर का जो है इंटीरियर चेंज हो जाए। बट आज का जो है बिल्कुल अलग कंसेप्ट में दिखाने जा रहा हूँ, जिसको लगा के आप अपने घर को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी भी हो जाएगी और इन्हेंसमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। आज प्रिंस जी हमारे साथ में। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, ये जो हमारे हाथ में है सिल्क प्लास्ट, ये क्या है? ये लिक्विड वॉलपेपर क्या होता है? वॉलपेपर तो सुना था हमने, ये क्या है थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये सिल्क प्लास्ट लिक्विड वॉलपेपर जनरली सिल्क कॉटन के फाइबर्स के छोटे टुकड़े करके बनाया जाता है जी। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है डाइंग वगैरह, ठीक है। ये हमारी इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप देख रहे हैं ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये लिक्विड वॉलपेपर है इस पैकेट के अंदर में। लिक्विड वॉलपेपर बोलते हैं सर इसको। हाँ, ये सूखे फॉर्म में आता है जी, सूखा रहता है। इसमें आपको पानी मिलाना पड़ता है, एक पैकेट में अराउंड 5 से 7 लीटर पानी लगेगा। ओके, ठीक है। उस पानी को मिला के ये एक पेस्ट बन जाता है, फिर उस पेस्ट को 1 घंटा छोड़ना पड़ता है ताकि इसकी जो गमिंग है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके जी। और फिर उसे ट्रॉवल से दीवार पे लगाना पड़ता है। तो आप वॉल को बिल्कुल एनहेंस कर सकते हैं। किस किस तरह के डिज़ाइन तैयार होते हैं वो मैं अभी नीचे दिखाने वाला हूं आपको। साथ में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का पैकेट होता है। सर ये जो पैकेट है कितने वजन का है? ये 970 ग्राम्स का है। 970 ग्राम का, और ये इजिली 50 square feet कवर कर लेगा। क्या बात है, मोर देन 50 square feet, ये मिनिमम है। तो ये जो है आपको इस तरह से मिलने वाला है, और ये इसके अंदर में है लिक्विड वाल पेपर जो हम अभी आपको दिखाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर लोग वाल पेपर लगाते हैं अपने घरों में, तो उससे कैसे अलग है ये, क्या डिफरेंस है दोनों में? लाइक वॉलपेपर काफी सालों से चलता आ रहा है जी, आज के टाइम पे हर एक शॉप पे हर जगह पे कॉमन हो गया है। बट ये जो प्रोडक्ट है ये जनरली यूरोपियन मार्केट में भी काफी फेमस है। ओके ओके, इंडिया में कम अभी इसका अवेयरनेस है। हमारे साउथ इंडिया में अच्छे सप्लायर्स हैं, केरला में अच्छे से काफी जाना जाता है इस प्रोडक्ट को। वॉलपेपर में क्या रहता है कि अगर बबल्स आने की प्रॉब्लम होती है जी जी जी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट दिखाई देता है। जॉइंट अगर किसी ने पकड़ के थोड़ा बहुत खींच दिया तो पूरा खराब हो जाता है। बिल्कुल, बहुत ही मार्केबल चीजें हैं ये, और अक्सर हमें दिक्कत आती है, कमेंट भी आते हैं आप लोगों के कि कुछ दिन यूज किया तो वॉलपेपर जो है साइड से निकलने लगते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं होती। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये दीवार पे लगा हुआ है, और ऐसे बबल क्यों आता है कि अंदर से जब एयर आती है, राइट राइट, बट ये वॉल को पूरा ब्रीथ करने देता है। ओके, पूरे 12 महीने जब वॉल ब्रीथ करेगी तो वॉल में आधी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो इसमें भी कलरफुल आते हैं सर, अलग अलग कलर के होते हैं ये? हाँ, ये हमारे पास मोर देन 100 शेड्स है। क्या बात बहुत है, बहुत सब अलग अलग कलर, सबके अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से हमने अपने कलर बनाए हैं। काफ़ी सारे जो है पैकेट रखे हुए हैं। तो आपने बताया सर मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में होती है कहीं बाहर होती है? हमारा वडोदरा में प्लांट है। वडोदरा में प्लांट है। मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर है, करजन नाम की जगह। ओके, वहाँ हमारा प्लांट लगा हुआ। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं आप, और अगर आप सोच रहे हैं अपने एरिया में इस तरह का जो है अपना शॉप ओपन करना, होलसेल में लेना माल, तो आप इनसे ले सकते हैं, बहुत सस्ता में मिलेगा। ये सारे जो देख रहे हैं ये अलग अलग टेक्सचर हैं, और ये सारे आप देख रहे हैं इस तरह के। सर ये क्या छोटा सा पैकेट में है, क्या है ये? एक्चुअली सैंपल पाउचेस है, लाइक सैंपल पाउच है। कुछ क्लाइंट्स को पहले सैंपल देखना होता जी है जी, तो उनके लिए हम यानी ट्रायल पैक बोल सकते हैं कि ट्रायल के लिए। हाँ, ट्रायल पैक। तो इस तरह के छोटे छोटे पैकेट हैं, और कई लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे क्या करना है, तो छोटे पैकेट भी अवेलेबल हैं। बाकी इस तरफ आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो मैंने दिखाया आपको, अलग अलग कलर वगैरह के अवेलेबल हैं। ये देख रहे हैं येलोइश टेक्सचर में है, वाइट में है, ब्लूइश में है, अलग अलग तरह के हैं। और चारों तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे माल ही माल है, और क्वान्टिटी में माल होता है। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा पैकेट, ये देखिए। तो ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये सिल्क ब्लास्ट का जो है, ये देखिए लिक्विड वॉलपेपर के पैकेट हैं, और हर एक में देख रहे हैं तो क्वांटिटी में आपको यहाँ पे माल मिलने वाला है। ये देखिए अलग अलग कलर में अवेलेबल हैं, पिंक में, येलो में, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग तरह के। तो क्वांटिटी में यहाँ पे आपको माल मिल जाएगा, सीधा फैक्ट्री आउटलेट में लेके आया हूँ, मैन्युफैक्चरर से आप जुड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये मटेरियल कुछ इस तरह का दिखने वाला है। सर इसमें काफ़ी सारे कलर अवेलेबल होते हैं आपके पास? हाँ जी। तो ये देख सकते हैं अलग अलग तरह के, और सभी में नंबर दिए हुए हैं, जो भी आपको पसंद है वो वाला पैकेट आप मंगवा सकते हैं जितना चाहें। हाँ जी, ये देखिए ये सारे अलग अलग कलर हैं, और लगने के बाद ये चमक इसी तरह की बरकरार रहती है सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी? ड्यूरेबिलिटी अराउंड 5 ईयर्स हम क्लेम करते हैं। ओके, 5 साल की गारंटी देते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट में अभी तक एज सच कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो कुल मिला के ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। ये वाला जो है कैटलॉग किस नाम से है आपका? ये अल्यूर के नाम से है। ये देखिए अल्यूर में भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे ये। और इन सभी का जो पैकेट है सर वो कितना, वही जो आपने बताया उतने ग्राम का ही होता है? हाँ जी, 970 ग्राम का पैकेट होता है। ओके, जिसे पानी में मिलाना है, जस्ट पानी में, और कोई चीज़ नहीं मिलानी।
5 से 7 लीटर पानी एक पैकेट के लिए यूज़ करना है, उसे मिला के एक पेस्ट बन जाएगा जी। थिक पेस्ट बनेगा, उस पेस्ट को आधे एक घंटे के लिए, मिनिमम एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उस पेस्ट को आपको ट्रॉवल से दीवार पे लगाना है। अभी लड़का आपको थोड़ा एप्लीकेशन करके भी दिखा देगा। ओके, तो आगे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कैसे ये लगाया जाता है। बाकी कैटलॉग आप देख रहे हैं, डिफरेंट कैटलॉग यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये सारे अलग अलग टेक्सचर हैं जो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सभी सर अवेलेबल होते हैं आपके पास में हमेशा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे देख रहे हैं कैटलॉग हैं, ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपने घर का वॉल का लुक जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। सर ये क्या प्लेन वॉल पर ही लग सकता है या ऐसी जगह पर भी लग सकता है जो थोड़ा रफ हो या ऐसा कुछ? ये इसके लिए बस बेसिक रिक्वायरमेंट है, दीवार प्लेन होनी चाहिए। अगर आपने प्लास्टर वॉल किया है, प्लास्टर वॉल के ऊपर आप प्राइमर लगा के भी कर सकते हैं। ओके, सेम यानी वॉलपेपर का ही कंसेप्ट है कुल मिला के उस तरह से? इनफैक्ट वॉलपेपर से ही बढ़िया है। बढ़िया है। वॉलपेपर में क्या होता है, अगर आपके वॉल में छोटे मोटे मार्क्स है या छोटे मोटे गड्ढे हैं तो उन जगह पे आप प्रेस करो रफ दिखता है, बट ये उसे पूरा ऐसा कवर कर लेता है कि आपको बाहर से पता ही नहीं लगेगा कि अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स है। ओके ओके, तो ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये वॉलपेपर से काफी अच्छा है। ऊपर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे काफी सारे सैंपल यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह के वॉल में लगे हुए हैं। तो ये सारे आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं इस तरह के, लेके अपने वॉल का कलर आप डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ, और ये तो कुछ सैंपल हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे सेट तैयार हो जाते हैं इसमें। ये देखिए, तो ये सारे जितने सर लगे हुए हैं ये अवेलेबल होते हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, बात करें सर दिल्ली NCR की, तो यहाँ के कस्टमर के लिए क्या है लगाने का, कैसे वो अगर आपके लड़की जाते हैं लगाने या खुद लगा सकता है? अगर आपको अपने लाइक कोई लास्ट कस्टमर है जिसे अपने घर पे कराना है जी, तो उनके लिए हम यहाँ से कोई लड़का भी अरेंज कर देंगे और वो आके हमारे पास शेड देख के सेलेक्ट करके अपने पैकेट्स ले जाए और यहाँ से लड़का जाके अगले दिन जाके काम कराएगा। ये तो हो गई दिल्ली NCR की बात। सर जो बाहर के लोग हैं अगर कोई ऑनलाइन मंगाता है, हमारा ऑल ओवर इंडिया भी काफ़ी अच्छा डीलरशिप नेटवर्क बना हुआ है। ओके ओके, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करा देंगे डीलर्स से, तो कस्टमर काम करवा सकते हैं। तो बाय चांस अगर कहीं पे ना भी है तो इसकी कोई इतनी मुश्किल ट्रेनिंग नहीं है। मैं पेंटर को एक बारी में कॉल पे डायरेक्ट कर दूं तो वो अपने आप काम कर देगा। काफी जगह पे नॉर्मल जैसे प्लास्टर करते हैं घरों की, सिंपल उस तरह का ही कुछ है? पेंटर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है, पेंटर फ्रेंडली है, ये बहुत इजी टू यूज है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू रिपेयर है। क्वांटिटी मिनिमम क्या रखा है किसी को लेना चाहे तो? मिनिमम अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप से स्टार्ट करना चाहता है तो वो 100 पैकेट से अपने स्टार्ट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और अगर लाइक कस्टमर को अपने घरों पे कराना है जी, तो उन्हें जैसी रिक्वायरमेंट होगी जितनी होगी उतनी हम प्रोवाइड करा देंगे। 5 पैकेट 10 पैकेट जो चाहिए डायरेक्ट मिल जाएगा आपसे? हाँ डायरेक्ट भी मिल जाएगा, और डीलर है तो मैं डीलर के थ्रू भी आपका करवा दूंगा, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा। सर वॉलपेपर में अक्सर हमने देखने को मिलता है कि कहीं पर स्क्रैच आ गया कुछ तो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है, तो क्या इसमें भी सेम है ऐसा कुछ? नहीं, इसमें अगर बाय चांस मैंने इतना सा एरिया खराब कर दिया जी, किसी चीज से ये ठोकर खा के निकल जाता है, हाँ, तो उतने से एरिया में पानी स्प्रे करके उसे वापस सेटल कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये चीज रिपेयर करी गई। सर बात करें लिक्विड वॉलपेपर की, तो क्या क्या मेन इसके खासियत है अगर देखा जाए तो? सबसे पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारा केमिकल यूज होता है जो कि आपकी सेहत के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें ऐसा कोई भी केमिकल यूज नहीं हुआ है जिससे कि आपके हेल्थ रिलेटेड इशू हो। बिल्कुल 0% VOC है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कोई इसमें स्मेल नहीं आती। लगाने का पेंट्स में होता है कि किसी लोगों को स्मेल से प्रॉब्लम, बिल्कुल स्मेल आती है, हाँ इसमें वैसी कोई स्मेल नहीं आती है। तीसरी चीज़ कि ये इलास्टिक मटेरियल है। ओके, इलास्टिक इन द सेंस कि अगर आपके दीवार पे कुछ कील के होल्स हैं तो उसे आप जब तक पुट्टी ना कराओ आप उसे नहीं करा सकते, वो दिखेगा जी जी, वो बिल्कुल स्मूथ प्लेन नहीं हो सकता। बट इसमें क्या है कि अगर वैसे कुछ गड्ढे हैं या आपने प्लाईवुड पे कराया, प्लाईवुड में जॉइंट है, तो उन जगहों पे बिल्कुल सीमलेसली लगता है, कोई ऐसा दाग धब्बा या ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे कि आप बिल्कुल प्लेन हो जाते हो कि कुछ प्रॉब्लम है दीवार में, ठीक है। और हाँ आजकल लोगों को काफ़ी कंसर्न रहता है कि सीलन पे चलेगा,
सब, बिल्कुल सब, बिल्कुल सब मैं पूछने ही वाला था, सबके घरों में ऐसा है कि सीलन पे चलेगा क्या ये प्रोडक्ट? तो सीलन पे क्या रहता है कि जब सीलन आती है तो इसमें भी मॉइस्चर बढ़ जाता है, बट सीलन जैसे बारिश के साथ चली जाती है तो इसमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर परमानेंट प्रॉब्लम है लाइक वाटर लीकेज या ऐसा कुछ, तो उन जगहों पर ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ परमानेंट कंटिन्यूस पानी आ रहा है तो वो उसे डैमेज कर सकता है। तो ऑनलाइन वाले के लिए सर व्हाट्सएप पे पीडीएफ वगैरह भेज देते हैं? हाँ, हमारे सारे पीडीएफ ब्राउचर्स फीचर्स सब कुछ रेडी है, आप बस एक मैसेज करिए, आपके पास सारे पीडीएफ पहुँच जाएंगे। फाइनली आ गया हूँ मैं आपको लेके सीधा डेमो दिखाने पे, क्योंकि बातें हो गई, जानकारी हमें मिल गई कि किस तरह से लिक्विड वॉलपेपर जो है वो काम करता है। तो ये पैकेट पड़ा हुआ है हमारे पास में और अभी हम आपको थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे। सर अब हम दिखाने जा रहे हैं इसको कैसे यूज करना है। इस पैकेट में लगभग 5 से 7 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। ओके, तो इस पैकेट को पहले इस बकेट में निकालते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भैया निकालिए इसको कट करके ज़रा बकेट में। ये देखिए, तो इस तरह से ये होता है बिल्कुल। इसमें आप पानी मिलाएगा? हाँ जी। एक पैकेट 970 ग्राम का होता है जी, तो उसमें लगभग 5 से 7 लीटर पानी लगता है। ये अलग अलग शेड पे वैरी करता है, किसी शेड में लगभग 5 लीटर भी लगे तो हो सकता है किसी में 7 लीटर भी पानी लगे। इसका रीज़न ये होता है कि किसी किसी शेड में कॉटन मिला होता है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये कॉटन है, ये ज़्यादा पानी थोड़ा तो ये पानी थोड़ा ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, और जो सिंपल प्लेन सिल्की टेक्सचर्स होते हैं वो कम पानी अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, ठीक है, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये बस हमारे अलग अलग शेड्स के लिए डिपेंड करता है। तो ये देखिए आपके सामने में है और ये पानी इसमें डाल दिया गया है। अब इसको मिलाते हैं भैया। हाँ, जस्ट हाथ से मिलाना है जी। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है ये। ये देखिए पानी सारे गायब हो गए, सारा एब्जॉर्ब कर लिया पानी, और इस तरह से। तो ये सर जैसे मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद क्या कुछ टाइम होता है कि इसको छोड़ दें? हाँ जी, इसे मिनिमम 1 घंटे के लिए रखना पड़ता है। उसका रीज़न है कि इसमें जो गमी होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। ओके ओके, उस पाउडर फॉर्म को पानी के साथ पूरे अच्छे से मिलने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए। राइट राइट, तो अभी जस्ट मैं वीडियो में आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये लगाया कैसे जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं वाल किस तरह के हैं और कैसे जगह में ये लग जाती है। लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या हाथ से लगाते हैं या कुछ और चाहिए होता है इसके लिए? इसके लिए बस ये टूल सफिशिएंट है। ओके ओके, हम ट्रॉवल बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये भी आपको अवेलेबल करा देते हैं? हाँ जी, ये अगर पार्टी को नहीं मिलती है मार्केट में तो हम अपनी तरफ से ही भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है, बाकी हर जगह अवेलेबल होता है ये। तो ये सर हम सामने दीवार में लगाने वाले हैं अभी। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं ये दीवार किस तरह से है, कई छेद भी हैं थोड़ा थोड़ा, और ये देख रहे हैं इस तरह से रफ है, तो ऐसे जगह में भी लग जाएगा इजीली। हाँ बिल्कुल, और लगने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि दीवार में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी थी कभी। ओके ओके बिल्कुल, तो आइए दिखाते हैं आपको सीधा। बट ये देखिए कैसे लगाया जाता है, ये देखिए इस तरह से लिया, वाह। ओके, ये बस थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। जितना फैला सकते हो आप फैला सकते हो ऐसा? हाँ जी, ये देखिए थोड़े थोड़े मटेरियल से और किस तरह से। और सर ये सूखने में कितना टाइम लगता होगा? इसको सूखने में इसको लगभग 24 से 48 घंटे में कम्प्लीटली सेट हो जाता है। ओके, और बाकी इस मेजर वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, अगर गर्मियों का टाइम है तो जल्दी सूख जाएगा, बाकी सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम जो है वो डिपेंड करता है कैसे जगह में लगा रहे हैं, अगर वहाँ पे धूप वगैरह आ रही है तो और जल्दी मेरे ख्याल से हो जाएगा। हाँ जी, ये देखिए, वाह, आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है लगने के बाद, और बहुत ही आसान है, आप खुद भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, कि बस आपको सिर्फ पेस्ट तैयार करना है पानी डाल के, और उसके बाद वाल में इसको लगाना है आपको। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लगा हमें कि कोई भी इसमें बीच में जो रहता है कि ज्वाइंट आ गया, तो वो सर टेंशन खत्म है। बाय चांस हमने अभी आधी दीवार कर दी जी, और आधी दीवार हम कल भी काम स्टार्ट करें, राइट, तो जो ज्वाइंट आने का जहाँ पे सर एरिया होता है राइट, वो भी नहीं पता लगेगा, वो भी नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, वो बिल्कुल जुड़ जाता है अच्छे से। वाह, ग्रेट, अमेजिंग।
तो ये देखिए लाइव डेमो आपके सामने है और कुछ इस तरह से तैयार हो जाता है आपका वॉल। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपने घर को एक नया लुक देने का, तो मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ें आपको मिल रही है। ये लिक्विड वॉलपेपर वाकई में कमाल का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। लाइफ भी अच्छी है, इजीली आप इसे लगा सकते हैं और बहुत ही आसान है। देखिए सर, बहुत ही इजीली और बहुत फास्ट लग जाता है ये। काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ेगा आपको ये अगर आप लगाते हैं तो। मेरे ख्याल से वॉलपेपर से ये लाइफ भी अच्छी है इसकी और सस्ता भी पड़ने वाला है। तो सर इसमें भी क्वालिटी अलग अलग आती है क्या? इसमें अलग अलग शेड्स होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया जी, सारे शेड का अपना एक स्पेसिफिक नंबर है। किसी में सिल्क होता है तो किसी में कॉटन मिक्स होता है, ठीक है। बट अगर आप लगाना चाहते हैं तो फॉर अ लास्ट कस्टमर जिसको अपने घर पे लगाना है, उसके लिए खर्चा अराउंड 5,000 to 6,000-7,000 तक आ जाता है। और डिपेंडिंग ऑन द एरिया कहाँ पे है और कितना सरफेस एरिया है, ठीक है। एक दीवार हम 100 square feet का कंसिडर करें तो उसके हिसाब से 5,000-7,000 rupees लगभग लग जाते हैं। तो सर जैसे डिलीवरी कब तक हो जाती है, जैसे पेमेंट आज करता है कोई तो कब तक माल भेज देता है? अगर कोई पेमेंट आज करता है तो विदिन 2 working days हम अपना पैकेट यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। हमारा जनरली दिल्ली एंड वडोदरा से डिस्पैच होता है। ओके ओके, तो जो भी नियरेस्ट पड़ता है वहाँ से भेज देते हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर बाय एयर भेजा जाए तो 3 to 4 days में पहुंच जाता है। जो लगाने का तरीका है सर इसका क्या है? कोई पेंटर वगैरह पकड़ के लगवा सकते हैं लोग? हाँ, अगर आपको अपने घर पे कराना है तो पेंटर को एक जनरल गाइड जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है तो उस वीडियो को देख के भी समझ के पेंटर कर सकता है। इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मटेरियल खराब हो जाएगा जी, या कलर कम ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पानी में मिलाना है और कर देना है। ओके ओके, तो इजीली आपके जो नियरेस्ट जो भी पेंटर वगैरह हैं आप उनकी हेल्प से ये आसानी से लगवा ला सकते हैं। सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की है लिक्विड वॉलपेपर के बारे में, क्या प्रोडक्ट है, कैसे लगाया जाता है। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी कैसे लगाना है। सर इंटीरियर की तो हमने बात कर ली, कुछ बाहरी दीवारों के लिए भी होते हैं क्या आपके पास प्रोडक्ट? हमारे पास ये जस्टिना ग्रेनुल्स है। ओके, ये कोटेड मार्बल स्टोन्स होते हैं, तो इसमें इसको आप अपने एक्सटीरियर सरफेस पर कर सकते हैं। ये एक बार ही लग गया तो आपको भूल जाना है कुछ भी इस पर आगे देखने के लिए। ये इसके हम 10 साल की गारंटी देते हैं, 3 साल की कलर की गारंटी रहती है। वाओ, तो ये देख सकते हैं ये भी कमाल का प्रोडक्ट है और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग शेड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कलर अलग अलग हैं, तो ये जो है बाहरी दीवार पे आसानी से 10-15 साल सोचना नहीं है इसके। हाँ, कुछ नहीं सोचना। आप ग्रेनाइट, जो बहुत लोग आजकल ग्रेनाइट लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं जी, तो उसके कंपेरिजन में बहुत बेटर प्रोडक्ट है। ग्रेट, तो इसमें एक जो वो लाइंस आती है, जॉइंट दिखता है, ये सब इसमें नहीं, बिल्कुल सीमलेस आपको एक स्टोन फिनिश देगा। वाओ, तो ये भी कमाल का प्रोडक्ट है। अगर आप बाहरी दीवार के लिए कुछ सोच रहे हैं तो जस्टिना का ये ग्रेन्यूल्स आ जाएगा आपको और इसकी कैटलॉग भी आपको मिल जाएगी। तो अब आपका घर का अंदर का बाहर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। बताएं अपने फर्म के बारे में, कब से आपका ये काम हुआ? हमारी कंपनी का नाम है जस्टिना टेक्सचर्स प्राइवेट लिमिटेड जी। 2021 में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, बट उससे पहले कम से कम 20 साल से हम इस लाइन में हैं। ओके, बहुत पुराना काम है कुल मिलाकर। मेरे पापा मेन ओनर है जी, तो उन्होंने टेक्सचर पेंट से काम स्टार्ट करा था, जो रस्टिक पर्लिना वगैरह जो हमारे आजकल बहुत नोन में है, वो प्रोडक्ट्स से लेके आज अपना ये एक्सक्लूसिव सिल्क प्लास्ट तक। ओके ओके ओके, काफ़ी प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, ट्रस्ट वेल कंपनी है और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। सर कुछ कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है क्या, किसी को पार्टिकुलरली चाहिए अपने हिसाब से? हाँ, कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मुझे इस शेड में ग्लिटर चाहिए या इससे नहीं चाहिए ग्लिटर, कुछ छोटा मोटा चेंज है जी जी, तो वो हम करके दे सकते हैं। ओके, आप लोग सर सपोर्ट करते हैं किसी को, जैसे कोई बोलता है कि मेरा इस तरह का जो है कमरा है ऐसे, तो क्या लगाएं, कौन सा कलर उसमें लगेगा? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास काफ़ी ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं जिन्हें अपने घर में खुद कराना होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर अगर आपके सोफ़ा आपने क्रीम कलर का लिया है तो उससे उस पर ये कलर बेस्ट जाएगा जी जी, क्योंकि हमारे पास लगभग इतने सालों में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस आ गया है। क्लाइंट्स हमसे आइडिया लेते हैं और लगाते हैं, उन्हें बहुत बढ़िया लगता है।
ग्रेट, अमेजिंग। तो आप अपने घरों में लगा सकते हैं इस तरह का सिल्क प्लास्ट का, काफ़ी अच्छा लिक्विड वॉलपेपर है और इस तरह के डिज़ाइन आपको सारे हमने दिखा दिए हैं। स्क्रीन पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल हमने डाल दिया है, फटाफट से कॉल कीजिए। इंडिया में कहीं पे भी हैं आप तो आपको घर बैठे डिलीवरी हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ। जय हिंद, जय भारत।